इतने ठंडी साइकिल में जा रहा हूँ आज RCMS भाई के पास जा रहा हूँ। हाई गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज विशु एंड यू आर वाचिंग माय चैनल माइंड फ्लेयर ब्लॉग 007। अभी तो कैंपस में हूँ, टाइम तो 8-9 बज जाएगा, अभी तक दो भी नहीं निकला। तो कितने दिन, मतलब मैं जनवरी में घर नहीं गया, दीपावली में टिकट कैंसिल हो गया, फिर तो कल तत्काल ट्राई किया, तत्काल में टिकट कन्फर्म हो गया। तो आज ही ट्रेन है, आज जा रहा हूँ घर, दो दिन लग जाएगा। मैस जा रहा हूँ RCMS खाने के लिए। भाई भी है एक वहाँ पे, आंध्रा का भाई, आंध्रा स्टेट का भाई, कॉल किया था मुझे आने के लिए, तो जा रहा हूँ इसे। उठ भाई, ये मेरा बाइक है, कावासाकी बाइक, कावासाकी Z900। देखो फ्रिक्शन भी है, गियर भी है साइड में। लखनऊ में इतना ठंडा भाई, काम करने का भी मन नहीं कर रहे, एग्जाम तो हो गया, मैं तो रूम में तभी तक सो रहा है। एग्जाम खत्म, वो एग्जाम खत्म हो गया इसलिए सो रहे हैं अभी तक। आ गया RCMS सीनियर मतलब पड़को ना रूम लोनी दीपक भाई को पड़को वीरेंद्र भाई देख रहे ना कॉल चेसा रात्र जीरेक्स पेपर था वीरेंद्र भाई के पास, तो वीरेंद्र भाई ने दे दिया जीरेक्स पेपर, कुछ कॉपी भी था पढ़ने के लिए, UPSC के लिए नहीं, PG के लिए। UPSC तो मेरे पास बंडल से, UPSC के नोट्स तो मेरे पास है, बट ये PG के लिए तो मेरे नोट्स नहीं है, इसलिए मैंने वीरेंद्र भाई कॉल किया, मुझे दे दिया सब ये कॉपीज। अभी तो सब डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम कम्प्लीट हो गया, तो इसलिए कोई स्टूडेंट भी बाहर नहीं है, गाउन में भी नहीं है स्टूडेंट खेलने के लिए भी। इतना ठंडा, हैंड ग्लव तो है मेरा पास, मास्क के लिए कुछ नहीं है, मास्क कुछ खरीद लेंगे एक बार नोज प्रोटेक्शन के लिए। A few moments later. कॉल किया था आने के लिए, जा रहा हूँ इसे। चेकिंग करते हैं यहाँ पे, कल आया ट्रेन में, मैं कटक में रुक गया क्योंकि मेरे बड़मा को लेग फ्रैक्चर हो गया, मुझे पता नहीं, मैं घर वाला तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मैं कब कल रात में मुझे इन्फॉर्म किया घर वाला ऐसे मेडिकल में है, तो मैं इसलिए रुक गया। तो आज जा रहा हूँ घर, फिर बड़मा का लेग फ्रैक्चर हो गया तो उनका ड्रेसिंग भी कर दिया सब, ठीक फिर मेडिकल से मतलब हॉस्पिटल से निकल गए हम। गाड़ी पार्किंग कर दिया यहाँ पे, फिर ये मेरे डब्बे में खा रहे हैं, खाने के बाद निकल जाएंगे, फिर आज तो लेट हो जाएगा, रात हो जाएगा गुंडपुर पहुँचने के लिए। पहुँची आधी सादा खाऊ दादी और बड़े ही सादा माँ भी खाऊ दी। கேம் மக்கடல தரணும் நான் கல் आने के समय में चिलकाडा में खाना खाया, खाना खाने के बाद मतलब मेरा मौसी था, मौसी उनका हेल्थ इश्यू मतलब वॉमिटिंग कर दिया कुछ, मतलब वॉमिटिंग कर दिया, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। जल्दी गाड़ी में बैठ गया फिर आ गया गुडपुर, इसलिए मैंने ब्लॉग मतलब वीडियो भी नहीं बना पाया।